जिले में बाल तस्करी के रोकथाम एवं बच्चों के संरक्षण के संबंध में आज उपायुक्त गुमला श्री सुशांत गौरव की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति के साथ बैठक का आयोजन नया समाहरणालय भवन के सभाकक्ष में किया गया। बैठक में चाइल्ड लाइन से संबंधित मामलों पर प्रकाश डाला गया। बाल तस्करी को लेकर पूरी तरह अंकुश लगे इस पर उपायुक्त द्वारा गहन समीक्षा की गई। इस बैठक में बहुत दिनों के बाद ही एक्चुअली बैठक हुई है और इसमें सारी चीज़ों को ये देखे गए हैं कि पिछले कुछ महीनों में क्या क्या अचीवमेंट हुए हैं, किस किस तरह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर या सेक्सुअल अब्यूज पर हम लोगों ने केसेस को पकड़ा, किस प्रोसेस के माध्यम से कैसे उनको रिहैबिलिटेट कराया गया। आगे हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि उन बच्चों को फॉलो किए हैं पिछले 5-10 साल में जिससे प्रभावित हुए, अभी कहाँ क्या हमें सीख मिलती है, क्या हमें सीख रिहैबिलिटेट करा के खत्म करना है या मामले को और आगे भी फॉलो अप करना है। तो अगले महीने अभी लगातार प्रखंडों में ट्रेनिंग वगैरह हम कराएंगे, लगातार प्रखंडों में बैठक हम जिनसे जो बात निकल के आएंगे, अगले महीने फिर एक डिटेल बैठक करेंगे, उस पर एक प्लान बनाएंगे। अभी कितने बच्चों को करीब इन्होंने 480 केसेज बताए हैं, लेकिन उसमें सबसे गंभीर जो थे करीब 130 केसेज थे, उस पर सारी कार्रवाई जो है चाहे पुलिस के द्वारा हो, CWC या DCPO के द्वारा हो, सभी कराई जा चुकी है। और उसके आधार पर भी हम लोगों ने कहा है आज के जो हम लोगों ने करा दिया सब पर आज वो बच्चे कहाँ हैं वो डिफाइन करता है कि वो कितने अच्छे से सही में हम लोग मामले को पूरा करें। बच्चे कहाँ रखे हैं घर में, अपने ही मोस्टली जो है अपने परिवार को आपस हम लोगों ने उसे जुड़वा दिया है, ये पहला फोकस है। सेकेंड है कि जो बालकनी वगैरह है वहाँ हम लोग उनको देते हैं। तीसरा है कस्तूरबा गांधी वगैरह भी हम लोग उनका एडमिशन कराते हैं, चूँकि बच्चे की इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं तो ये गोपनीय है, समझिए कि इंस्टीट्यूशनल तरीके से सभी को हम लोगों को वापस जुड़वा दिया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।